आज हम आपको दीपिका की लड़की के बारे में बताएंगे। जी हाँ, वही आंखें, वही प्यारा सा चेहरा, बिल्कुल हूबहू दीपिका जैसी। आखिर ये लड़की अब कहाँ पे गुम है? आपको बता दें कि दीपिका की शोएब के साथ दूसरी शादी है। शोएब से पहले दीपिका एक शादी के बंधन में बन चुकी हैं, जो कि रौनक के साथ था। और ये शादी तब हुई थी जब दीपिका टीवी इंडस्ट्री में ना होके एक एयर होस्टेस थी, और वहीं पे रौनक थे, वहीं पे दोनों की मुलाकात हुई और शादी हुई। लेकिन ये शादी बिल्कुल भी नहीं चली। लेकिन इस शादी का पीछा अभी तक ट्रोलर्स ने नहीं छोड़ा है। दीपिका को वो अपनी फ्यूचर लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। दीपिका ने एक वीडियो में रोते हुए ये शेयर भी किया था कि कोई लड़की अगर आगे बढ़ना चाहती है तो दुनिया उसे आगे बढ़ने नहीं देती है। और दीपिका ने शेयर किया था कि जो पहला रिश्ता था वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक था। उन्होंने ये भी बताया था कि अगर शोएब ना होते तो आज ये दीपिका नहीं होती, पता नहीं किस हाल में होती और डिप्रेशन का शिकार हो चुकी होती। लेकिन शोएब ने दीपिका को सही टाइम पे संभाला है, और दीपिका के को एक्टर रहे शोएब अभी उनके हस्बैंड भी हैं, और अभी इनकी लाइफ में एक नन्हा सा मेहमान भी आने वाला है। और आपको लड़की के पीछे की सच्चाई बता देते हैं, दीपिका इब्राहिम का पहले हस्बैंड से कोई भी बच्चा नहीं है। जी हाँ, यही सच है। जो इंटरनेट में फैल रही है अफवाहें हैं, आप उन पे यकीन ना करें। दीपिका फर्स्ट टाइम मदरहुड एक्सपीरियंस कर रही हैं, और उन्होंने ये बात खुद से शेयर की है। और वो डेली व्लॉगर भी हैं, और शोएब भी डेली व्लॉग्स बनाते हैं। एक्टिंग करने के साथ साथ ये लोगों को अच्छी सीख भी देते हैं, जैसे कि फैमिली में कैसे रहा जाता है, पैसे कमाने के साथ साथ फैमिली का प्यार भी बहुत ज़रूरी होता है, और कैसे फैमिली के लिए टाइम निकाला जाता है, कैसे बॉन्डिंग बनाई जाती है। दीपिका शोएब के व्लॉग्स हम इस चैनल पे लाते रहते हैं। अगर आपको दीपिका शोएब की जोड़ी पसंद हो, उनसे कुछ सीखना चाहते हो कि वो डेली लाइफ में क्या करते हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको उनके ढेरों सारे व्लॉग मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।